दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आज आपको इसका आंसर मैं बताता हूं। तो दोस्तों वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी कहते हैं कि महामारी की वजह से सरकार का रेवेन्यू घट गया है, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स जैसे रेवेन्यू के जरिए कमजोर हो गए। दूसरी ओर सरकार का खर्च इस दौरान काफी बढ़ गया है और प्रोफेसर कुमार कहते हैं कि ऐसे में सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ईंधन पर टैक्स कम नहीं कर रही है। सरकार के लिए शराब, पेट्रोल और डीजल कमाई का एक सबसे बड़ा जरिया है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में इन पर टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार को जीएसटी काउंसिल में नहीं जाना पड़ता है। प्रोफेसर कुमार कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है और इससे डिमांड घटती है, खासतौर पर इससे गरीब तबके के लिए ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती है। इस लिहाज से जब सरकार इकोनॉमी को ग्रोथ के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है, उस वक्त पर पेट्रोलियम उत्पादों की उच्ची कीमतों की वजह से गरीबों, मजदूरों और किसानों की कमाई और मांग दोनों निचले स्तर पर चली जाएंगी। दोस्तों यही कारण बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। तो अपनी राय देना मत भूलिएगा, ये मेरी राय नहीं थी, ये राय थी प्रोफेसर अरुण कुमार की। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।